वीडियो बना दे सही है चालू होगा आदरणीय साथियों इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले द ग्रेट भीमराव अंबेडकर युवा संगठन के सभी साथी और प्रगति से उन्नति की तरफ जो हमारी दो संस्थाएं मिलकर के आज इस प्रोग्राम को आयोजित कर रही हैं, सबसे पहले मैं उनको साधुवाद। आप सभी यहां पर जो महानुभाव बैठे हुए हैं आपको नमन, बच्चों को प्यार। साथियों अभी बहुत साहब आपके बीच में कुछ कहकर के गए, सत्यमेव जयते। स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमको बताते थे कि ये कौन सी लिपि में लिखी हुई है सत्यमेव जयते। हमें बताया जाता था कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो देवनागरी लिपि नहीं है, वो पाली भाषा है। पाली भाषा में लिखा हुआ है और वो देवनागरी लिपि नहीं है। तो ये बातें तो हमारे साथ में बहुत पहले से होती चली आई है। हमारे इतिहास को, हमारी बातों को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया इतिहास में। और अभी आप देख रहे हैं कि जब से ये एक मानवता की दुश्मन सरकार इस देश में स्थापित हुई है, तब से आपको एक के बाद एक झटके देती चली आ रही है। यहाँ पर कुछ मिशनरी साथी बैठे हुए हैं, मिशनरी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, मिशनरी साथियों इस समय पे हालात बदले हुए हैं। अगर आपने मिशन में वाकई में काम किया है तो आपको पता होगा कि 93 से लेकर के और 2003 तक भारत की राजनीति को नया आयाम देने वाला प्रणेता जो हमारे बीच से चला गया, वो सिचुएशन क्रिएट करते थे देश के सामने और इन मनुवादियों को सिचुएशन में इलझा देते थे। आज उल्टा हो रहा है, आज एक के बाद एक वो हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और हम उनकी उन सिचुएशन में इलझ रहे हैं। बस एक के बाद दूसरी समस्या का गाना गाना शुरू कर देते हैं और दूसरी के बाद तीसरी का, तीसरी के बाद चौथी का। मगर आपको याद होना चाहिए कि हमारे संत माननीय काशीराम जी ने ये समस्या उल्टी कर रखी थी। उस समय पे वो इनके सामने समस्या क्रिएट करते थे और ये अपनी उस समस्या से जूझते रहते थे और साहब अपना काम को बढ़ाते रहते थे। हम कुछ सीखते नहीं है इन बातों से, हमको सीखना चाहिए। हम अभी 9 अगस्त की घटना के बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया, उससे पहले हम 2 अप्रैल की बात के बारे में बात कर रहे थे, उससे पहले 20 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके बारे में बात कर रहे थे, उससे पहले बहुत सारी गौ रक्षकों के बारे में बात कर रहे थे, उससे पहले हम ऊना की घटना के बारे में बात कर रहे थे। ये जो समस्याएं हैं हम उनके बारे में आज हम उनके खेल में शामिल क्यों हो गए? हम तो खेल के रेफरी थे, ये व्यवस्था उल्टी कैसे हो गई? यहां पर कुछ साथी बैठे हुए हैं, मुझे बताया गया कि भाई वो मिशन को चलाने वाले साथी हैं, पार्टी में कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। मेरा उनसे कहना है, मेरा उनसे निवेदन है, कहना नहीं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथियों को जाकर के उनसे निवेदन करें कि जिस तरीके से खेल को वो खेल रहे हैं, हमको खेल का खिलाड़ी नहीं बनना, हमें खेल का रेफरी बनना है। जब तक हम रेफरी नहीं बनेंगे तब तक खेल को हम निर्णायक स्थिति में नहीं ले जाएंगे। आपने मेरे को बुलाया, हालांकि बातें कुछ कैड़ी होती हैं और कैड़ी बातों को सुनने के लिए हर किसी के अंदर मादा नहीं होता, इसलिए बहुत सारे साथी मेरे खड़े होते चले गए क्योंकि मैं आज तीसरी बार यहां पर आया हूं। दोनों बार जब पहले आया था तो शाम का समय था, दूसरी बात यह भी कि भाई धूप पड़ रही है और जितने ये धूप में साथी खड़े हुए हैं ये वाकई में इनके हृदय में समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की आग है, तभी ये ऐसी स्थिति में भी यहां पर बैठे हैं। साथियों मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए मैं मिशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं तथागत का गौतम बुद्ध के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं हम जो ये आजादी मना रहे हैं, इस आजादी को मनाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों ने भी आजादी की लड़ाई में आहुतियां दी,
मगर हमारे समाज के जितने भी बहुजन नायक रहे उनका नाम कहीं भी हम किसी भी किताब में नहीं पढ़ते और शायद मंच पर भी उन हमारे बहुजन नायकों का नाम नहीं लिया गया। आपने बिरसा मुंडा जी का नाम सुना होगा, माता उद्धा देवी जी का नाम सुना होगा, सिद्धो कानो का नाम सुना होगा आपने, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिद्धो कानो ने 1920 में 20,000 अंग्रेजी सैनिकों को मारा था। कहां पर? बिहार से कौन सा राज्य लगुआ है? झारखंड। झारखंड के जंगलों में हमारे सिद्धो कानो जो साथी थे उन्होंने 20,000 अंग्रेजी सैनिकों को मारा था, और 20,000 सैनिकों को उन्होंने मारा था तीर कमान से, तलवार से, मगर अंग्रेजों के साथ पास में तो बंदूकें थी। जब तक तीर तलवार उनके चलते रहे वो मारते रहे, और जब उनकी बंदूक जब उनके तीर तलवार टूट गए तो अंग्रेजों ने जंगल के अंदर घुस करके उनको मारा। उसके बाद में हमारी माता उद्धा देवी जी ने 20 अंग्रेजी सैनिकों को अकेले मार दिया तलवार से। तो हम अपने महान नायकों की बात कभी नहीं जानते, ना कभी हम आगे उनको बढ़ाते। बिरसा मुंडा जी ने इस देश में लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, मगर उनका नाम नहीं आता। नाम किनका आता है?